आप सभी का स्वागत है एग्जाम तक यूट्यूब चैनल में। तीन चार दिनों से रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। ये जो वीडियो है कल से आपको मैं बता दूं करंट अफेयर्स के वीडियो कंटिन्यू हो जाएंगे। आज का जो वीडियो है ये है एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। वैसे ये जो रिक्रूटमेंट है काफी ज्यादा बड़ी है, 2021 की मोस्ट वॉन्टेड वैकेंसी है। इस पे जो है 2 से 3 कंटिन्यूसली वीडियोस आने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन ये जो है यहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के बारे में, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है क्या इस वैकेंसी में होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, सो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी। इस वीडियो को कंप्लीटली ध्यान से जरूर से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको गूगल पर सर्च कर लेना एग्जाम तक, उसके बाद आपको एग्जाम तक की वेबसाइट मिल जाएगी। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। बाय द वे हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलेगा। यहाँ पर वेबसाइट पर आप लोग आएंगे तो न्यू अपडेट का एक सेक्शन अपडेट क्या है, यहाँ पर आपको लेटेस्ट जो भी वैकेंसीज या कुछ भी अपडेट है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, ताकि आप लोग बहुत ही आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। अभी इंडियन नेवी की भी जो वैकेंसी वो आई हुई है उसमें भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो आज बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में कि क्या इस तरह से जो है इन्होंने 2018 में जो इनकी वैकेंसी थी वो कितनी थी, 2018 में पिछली बार वैकेंसी निकली थी, काफी बढ़िया जो है वैकेंसी थी। एंड ये हैं जो है 25,000 पोस्ट है ओनली इस बार, तो इतनी सारी कम जो वैकेंसी हुई है। इन सब पे अलग से पर्टिकुलर मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्यों एसएससी इतनी ज्यादा कम वैकेंसी कर रही है। इस बार जो है सीआरपीएफ में एक भी पोस्ट नहीं है, बोला मतलब सीआरपीएफ में कोई पोस्ट ही नहीं है। इस तरह से जो है ये एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है, सेंट्रल जो है अर्धसैनिक बलों के लिए निकालते हैं, जिसमें बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, असम राइफल्स वगैरह बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग देख पाएंगे बीएसएफ में 7,500 लगभग पोस्ट हैं, सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा है 8,400 पोस्ट हैं, सीआरपीएफ में 0 पोस्ट है, एसएसबी में 3,800 पोस्ट है, आईटीबीपी में जो है 1,400 पोस्ट है, असम राइफल्स में 3,700 समथिंग है। एंड एसएसएफ ये जो है सेक्रेटरियट सिक्योरिटी फोर्सेज, जो दिल्ली में संसद भवन वगैरह सचिवालय है ना, उनकी सुरक्षा के लिए 240 पोस्ट हैं इस फोर्स में भी। तो टोटल मिलाकर जो है 25,271 पोस्ट हैं ऑलरेडी, आप लोग देख पाएंगे। ये है एसएससी जीडी का कंप्लीट पोस्ट डिटेल जो मैंने आपको बता दिया। आपको जो है फॉर्म भरते टाइम ये सब आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप लोग आवेदन आसानी से कर पाएंगे। एंड आपका जो है बिल्कुल टारगेट होना चाहिए, कौन सी फोर्स आपको टारगेट रखना है, बाकी तो जो भी मिलती है वो सब कट ऑफ के आधार पर मिलेगी। अब ऑनलाइन आवेदन जो है 17 जुलाई से शुरू हो चुके हैं, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है इस पे जो है अलग से पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। बाकी आप लोग को जो है एग्जाम तक वेबसाइट पर जो है इसका ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 31 अगस्त 2021 लास्ट डेट तो बहुत दूर है, लेकिन अप्लाई पहले कर देना। आपको पता होगा एसएससी की वेबसाइट जो है ये चलना मतलब बहुत ही मुश्किल है, इसलिए आप लोग जो है टाइम से मतलब अप्लाई कर दो, अभी तो बहुत टाइम है, बट हाँ ठीक है कि अप्लाई जरूर से कर लेना, लगभग 10-15 दिन पहले अप्लाई जरूर कर लेना, बाकी 31 अगस्त के भरोसे मत रहना। ऑनलाइन शुल्क की अगर बात करें, जनरल ओबीसी वर्ग के लिए 100 रुपए हैं, बाकी महिलाओं के लिए, एसटी एससी इन सब के लिए नहीं है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 100 रुपए फीस है, ये आपको ध्यान रखना है। नेट बैंकिंग या फिर ऑनलाइन यूपीआई वगैरह से या फिर एसबीआई चालान से भी आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। अब इसका एग्जाम कब होगा, एग्जाम की अभी डिटेल कोई नहीं है। एग्जाम तो आपको पता है एसएससी के राम भरोसे ही होते हैं, एमटीएस का भी अभी कुछ भी अता पता नहीं है, तो जीडी का कब होगा ये मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। अनुमान मेरा ये कहता है इस साल के एंड तक या अगले साल के जो है जनवरी फरवरी तक एसएससी जीडी के शायद जो है ऑनलाइन एग्जाम ये जो है कंडक्ट करवा दे, जो फर्स्ट होगा टीयर वन एग्जाम जो भी होगा इनमें, बाकी आगे तो फिजिकल होगा इसमें, ठीक है ना। तो एसएससी जीडी का जो है एग्जाम आपका अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोग जो है जो जीके एंड करंट अफेयर्स का 25 नंबर का पेपर होता है उससे रिलेटेड आपको इस चैनल पर बहुत कुछ मिलेगा। सो आप लोगों को क्या करना है, एग्जाम तक यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम पर डेली क्विज लगाई है, एंड हमारे जो यूट्यूब चैनल पर डेली सुबह 6 बजे जो करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड होता है उसको रेगुलर विजिट कीजिए, आपको जो है जीके में 25 में से 20+ मार्क्स आसानी से मिलेंगे। अब अगर बात के एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सबको पता है ये जो है 10th पास वैकेंसी है, मैट्रिक होना उत्तीर्ण जरूरी है, तो सब लोग आई होप कि आप सब लोग मैट्रिक उत्तीर्ण होंगे, जरूर से अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 18 से 23 साल हैं, उसके बाद जो है एस टी एस सी वालों को 5 वर्ष एंड ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट दी गई है, बाकी एक्स सर्विसमैन वगैरह को जो भी है वो आपको एग्जाम तक की वेबसाइट पर कंप्लीट डिटेल में मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की बहुत ही सिंपल सा है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिर फिजिकल होगा, एंड उसके बाद मेडिकल होगा, एंड फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अब ये जो है बोलने में तो बहुत आसान है लेकिन टाइम बहुत कंज्यूम कर गया एसएससी है, जाहिर सी बात है। मैं एक दो वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको एसएससी जीडी वैकेंसी से रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट्स वगैरह जो भी बातें हैं आपको अप्लाई करने से पहले जान लेना चाहिए वो जरूर से बता दूंगा उन वीडियोज में। ये देख सकते हैं आप लोग फिजिकल की अगर बात की, हाइट जो है 170 चाहिए
जनरल ओबीसी एंड एससी कैटेगरी के मेल के लिए, जबकि एसटी कैटेगरी के मेल के लिए 165 चाहिए, फीमेल के लिए 157 चाहिए, जनरल ओबीसी एससी वालों के लिए, फीमेल एसटी के लिए 155 चाहिए। इसी तरह से अगर बात किया 5 किलोमीटर की रनिंग होती है 24 मिनट में, एंड इनको भी यही है 24 मिनट में, एंड महिलाओं के लिए होती है 1600 मीटर की रेस जो है 8.5 मिनट में। तो ये था कुछ मोटे मोटे तौर पर फिजिकल। सिलेबस की अगर बात किया एसएससी का, जाहिर सी बात है सीजीएल से लेकर जो है जीडी तक, मतलब हर एक का पैटर्न लगभग जो है सिलेबस सेम है, सब्जेक्ट सेम है, बाकी सवाल का लेवल तो आपको पता ही है। इसमें बहुत ईजी रहता है, रीजनिंग आएगी, जीके आएगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगी, इंग्लिश या हिंदी में से आपको चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। सो ये अब यहाँ पर अच्छी बात है, आप लोग इंग्लिश सेलेक्ट करना चाहते हैं इंग्लिश कर सकते हैं, हिंदी करना चाहते हैं हिंदी कर सकते हैं। बाकी इसकी बेस्ट बुक के लिए जो है मैंने एग्जाम तक पोस्ट पर ऑलरेडी पोस्ट लिख रखी है, एंड यूट्यूब चैनल पर भी ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, देख लेना। 90 मिनट का टाइम मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मोर देन सफिशियंट होता है, सीजीएल सीएचएसएल का टाइम देखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना। इसमें 100 नंबर होंगे एंड 100 ही जो है क्वेश्चन होंगे। तो ये कुछ है मोटे मोटे तौर पर, पिछले साल कितनी कट ऑफ हुई थी, आपको कितना इसको टारगेट करना चाहिए, ये सब जो है आपको आने वाले टाइम पे इसी चैनल पर मिलेंगे, रिजल्ट वगैरह की अपडेट आपको मिल जाएगी। ये इंपॉर्टेंट लिंक्स है, यहाँ पर आपको जो है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, अप्लाई नाउ पर आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी, यहाँ पर रजिस्टर भी कर सकते हैं आप लोग। अगर आप लोग पहली बार एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं तो रजिस्टर कर लीजिएगा, जिसमें आपको जो है कंप्लीट आपकी डिटेल देनी होगी, उसके बाद आप लोग कोई भी एसएससी का फॉर्म जो है बहुत ही आसानी से भर पाएंगे। बाकी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट वगैरह की जानकारी आपको यहाँ पर मिल सकेगी। कुछ भी डाउट रहा हो ना, कुछ भी 0% भी, तो आप लोग जो है 0% तो नहीं 1% भी डाउट रहा ना, तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे कल सुबह 6 बजे के करंट अफेयर्स के वीडियो में। 4 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहे हैं किसी रीजन से, ये आप लोग देख सकते, इस तरह से अप्लाई करना है। खैर मैं अप्लाई करने का भी एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ 1-2 दिन में, बाकी देखते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, इस वीडियो को पर्टिकुलरली सभी के साथ शेयर कर लीजिएगा। 2021 की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट है यही है एसएससी जीडी 2021 की। सो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।